up you guys, a very warm welcome and welcome back to our channel. Hello, I'm Pawn and I hope you all are doing well. So, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये इंडियन ट्रेडिशनल दुर्गा पूजा एंड नवरात्रि स्पेशल मेकअप लुक. सो ये एक वर्सटाइल मेकअप लुक है जिसको आप दुर्गा पूजा के लिए और नवरात्रि के लिए भी क्रिएट कर सकते हो. मेकअप लुक तो एक ही है लेकिन कैसे आप ये दुर्गा पूजा मेकअप लुक को नवरात्रि में कन्वर्ट कर सकते हो मैं वो भी दिखाऊंगी. सो ये एक 2-in-1 लुक है आप कह सकते हो. सो डेफिनेटली फुल वीडियो को जरूर देखिए. और दुर्गा पूजा है तो हम साड़ी को तो मिस कर ही नहीं सकते. तो साड़ी के साथ मैंने गोल्डन ज्वेलरी पहनी है एंड ऑब्वियसली बन करके मैंने गजरा लगाई है जो इस लुक की मेन अट्रैक्शन है. सो चलिए देख लेते हैं कैसे इस लुक को हम 2-in-1 कन्वर्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू यूज वाउज वाइटमिन सी सीरम. वाइटमिन सी हमारी स्किन को ब्राइटर बनाती है और हमारी स्किन को काफी ग्लोइंग भी बनाती है. नेक्स्ट एज अ प्राइमर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मिस क्लियर की एंटी रेडनेस प्राइमर. सो मेरी स्किन कभी कभी सेंसिटिव हो जाती है, दैट्स व्हाई एंटी रेडनेस प्राइमर इज मस्ट फॉर मी. We need a damp beauty sponge और आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कामा आयुर्वेदा की ये प्योर रोज वाटर. ये रोज वाटर मेरी स्किन को काफी ब्राइटन और ग्लोइंग बनाती है. सो बिफोर अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ मेकअप आप डायरेक्टली इसे अपनी स्किन में स्प्रे भी कर सकते हो. अब मैं लगा रही हूँ मेवलिन फटमे की ये कंसीलर. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन. ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाती है और ईच एंड एवरी स्किन टाइप के लिए सुटेबल है. बट इफ योर स्किन टाइप इज रियली ड्राई देन यू नीड टू अप्लाई अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर और सीरम बिफोर अप्लाइंग दिस. वेट वॉल की ये पैलेट में जो प्रेस्ड पाउडर है इसकी मदद से मैं मेरी फुल फेस को सेट कर लूंगी. ये बहुत ही अच्छी तरह से और लॉन्ग टाइम तक आपकी स्किन को बिल्कुल परफेक्टली सेट रखती है एंड यू कैन सी गाइस कि ये कितनी अच्छी एक कवरेज भी प्रोवाइड कर रही है. नेक्स्ट क्रोनो केयर की ये एंटी पोल्यूशन फेस मिस्ट को मैं थोड़ी सी इस्तेमाल करूंगी. ये आपकी स्किन को काफी ग्लोइंग बनाने के साथ साथ आपके फुल मेकअप को सेट भी रखती है और पोल्यूशन को भी आपकी स्किन से दूर रखती है. सो अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कोम माय आईब्रोज यूजिंग दिस पूली और आज मैं ऑल टाइम फेवरेट मेरी शिवाना कलर्स की ये अल्टीमेट ब्राउ किट में जो क्रीमी ब्राउन डार्क शेड है इस शेड को लेके अपने आईब्रोज के गैप्स को फिल कर लूंगी. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज हिलारी डोडास आई शेडो पैलेट. ये 16 कलर आई शेडो पैलेट है और यहाँ पे जो ये ट्रांजिशन शेड है बहुत ही लाइट शेड है. इसको मैं लगा के मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस कर रही हूँ मेरी आउटर वी कॉर्नर में. नेक्स्ट ग्रेजुअली मैं मेरे फुल क्रीज में से लगा लूंगी. अब वो सेम कलर को मैं मेरे इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी और आउटर और इनर कॉर्नर्स को मैं थ्रू द क्रीज कनेक्ट करूंगी. वो सेम पैलेट में जो ब्राउनिश एक ग्रे शेड है उस शेड को मैं लूंगी वही सेम पहले आउटर वी कॉर्नर में और उसके बाद इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी और थ्रू द क्रीज में कनेक्ट करूंगी. मेक श्योर जो ट्रांजिशन शेड हम लगा रहे हैं अच्छी तरह से शेड्स को हम ब्लेंड कर दें. उसके बाद मेकअप रिवोल्यूशन के आई शेडो पैलेट में जो शिमरी ग्रे शेड है इस शेड को मैं वही पोर्शन में लगाऊंगी जहां पे मैंने मैट ग्रे शेड को लगाई थी. अभी मैं रही आईलिड्स के मिडिल पोर्शन में ये हिलारी टोडे की पैलेट में जो शिमरी शेड है इसको लूंगी. ये बहुत ही पिगमेंटेड एक शेड है गाइज और तीन शेडोज को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेरी फिंगर टिप्स. उसके बाद वही सेम डार्क ग्रे शेड को हम हमारी लोअर लैश लाइन पे भी लगाएंगे. सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज टेक वाइट की ब्लैक आई लाइनर. इसका टिप बहुत ही फाइन है सो विंग शेप ड्रॉ करने में आपको काफी आसानी होगी. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई फेसेस कनाडाज ब्लैक काजल पेंसिल और आज मैं इसे अपनी अपर वाटर लाइन पे लगाऊंगी. उसके बाद चलिए हमारे आई लैशेज को कर्ल कर लेते हैं. अब मैं लगाऊंगी मेवलिन कोलोजल की ये मस्कारा. ये हाइपरकर्ल वॉल्यूम एक्स्ट्रो मस्कारा है और आपकी लैशेज को ये काफी लेंथ भी प्रोवाइड करती है. सो नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई फेस मेकअप अगेन. सो आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शुगर की ये सिंगल कंटूर और इसको लेके मैं मेरे फुल फेस और नोज को भी कंट्रोल कर लूंगी.
नेक्स्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शिवाना कलर्स की ये मेकअप स्टूडियो पैलेट। यहाँ पे जो एक पीची ब्रश है इसको लेके मैं हल्के हाथों से अपनी चिक्स पे लगा लूंगी। इसके बाद मैं लगा रही हूँ वेट न वॉल की ये स्टिक क्रीमी हाइलाइटर। ये डेली बेसिस के लिए अगर आप चाहते हो थोड़ी सी ग्लोइंग स्किन पाना देन इसे लगा सकते हो। ये क्रीम बेस्ड है सो ज्यादा पॉपअप नहीं होगी और फील नहीं होगी कि अपने एक्सटर्नली कुछ हाइलाइटर लगाई है। उसके बाद एक ब्यूटी ब्रांड की मदद से अपनी स्किन में मैं इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लूंगी। देन उसके ऊपर ही मैं लगाऊंगी एक पाउडर हाइलाइटर। आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शिवाना कलर्स की वही सेम पैलेट में जो हाइलाइटर है उसे ही। और अभी मैं कंटूर ब्लशर और हाइलाइट को अच्छे से इसके साथ एक ब्लेंड कर लूंगी यूजिंग द सेम स्पंज। लास्टली मैं मेरे ब्राउ बोन्स को और इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर लूंगी। सो आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बेला वॉस्त की ये न्यूड लिप लाइनर इन द शेड रूट बियर। सो न्यूड लाइनर इज मस्ट हैव बिकॉज आपको सेपरेटली कलर्स में इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। लाइक उसके बाद मैं लगा रही हूँ लॉरियल रूज सिग्नेचर की ये लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड आई रूल। गाइज ये है द सेकेंड लुक। सो ये नवरात्र के लिए भी परफेक्ट है। आप देख पा रहे हो कि सिर्फ मैंने ड्रेस चेंज की है और उसके साथ ये सिल्वर ज्वेलरीज को पेयर अप की है एंड ये जो लुक है ये कितने ब्यूटीफुल लग रही है। और गाइज मेरे बंगाली चैनल पे गिव अवे चल रही है सो डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए उस गिव अवे में। और कुछ दिन बाकी है सो प्लीज पार्टिसिपेट करना ना भूले। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बंगाली चैनल्स की जो लिंक है वो मैं डाल दूंगी। सो या सो गाइज आई होप आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आएगी। अगर पसंद आई देन डू लाइक एंड शेयर और प्लीज सब्सक्राइब एक बार कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें एंड डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये 2-in-1 मेकअप लुक कैसे लगी। और या चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई लव यू ऑल। बाय बाय।